भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मान लो 20 बार, उसकी रगों में देशभक्त का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, पॉलिटिकल एम्बिशियंस खासकर महत्वाकांक्षाएं तो कोई भी हों, लेकिन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है वो व्यक्ति को कहीं कभी कुछ भी कहलवा देती है या उसको किसी भी रास्ते पर लेकर चल सकती है। आपसे जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सफ़ीदों के विधायक रामकुमार गौतम थे अपने विधानसभा क्षेत्र में, धन्यवाद करने गए थे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, अपने क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने उनको अपना नुमाइंदा बनाया, अपना विधायक बनाया, और वहाँ जा करके कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत भले आदमी हैं। जिक्र इसलिए हो रहा है कि रामकुमार गौतम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बीजेपी के सिंबल पर विधायक चुने गए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रामकुमार गौतम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, दादा गौतम ने, और बीजेपी ने उनको इनाम स्वरूप कहें या सम्मान स्वरूप कहें विधानसभा का टिकट दिया सफ़ीदों विधानसभा से, और वहां से विधायक चुन करके, विधायक बन करके विधानसभा में पहुंच गए रामकुमार गौतम। और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनने के बाद वो जब अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने क्षेत्र की जनता का स्वागत करने गए, उनका आभार प्रकट करने गए, तो वहाँ जा कर के कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भला आदमी है, चुनाव में मैंने बहुत सारी बातें कह दी थी, हुड्डा के बारे में बहुत कुछ भला बुरा कह दिया था, साथ साथ ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रगों में देशभक्ति का खून बहता है। इसके साथ साथ इससे और थोड़ा आगे बढ़े और कहा कि अगर मैं हुड्डा के बारे में कुछ ना कहता तो भाजपा की सरकार ही ना आती। हालांकि विरोधाभास था उनकी बात में, बाद में ये भी कहा कि अगर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ना होते तो भाजपा की सरकार ना आती। आप सुनिए क्या क्या बोले दादा रामकुमार गौतम। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा से मैं घृणा नहीं करता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा अच्छा इंसान है, कोई भाई बुरा मान लो 20 बार, उसकी रगों में देशभक्त का खून है जो रणवीर सिंह का, उसको गलत नहीं मानता मैं। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूं तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती थी। मैंने दो जमा दो का पाड़ा, उसके खिलाफ वो बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, उसको बुरा भी लगा होगा। बहुत बातें कही मैंने, ऐसी बातें कही जो उसने महसूस भी की होगी गौतम का मैंने के बिगाड़ रखा था। लेकिन अगर मैं ये नहीं बताऊं कि भाई बीजेपी लाओगे तो यो फायदा और या हुड्डा पार्टी लाओगे तो इसका यो नुकसान, वो इस लेवल तक चला गया मैं जो मुझे शोभा भी नहीं देता था। लेकिन अगर मैं उस लेवल तक नहीं जाता तो भाई बीजेपी की हुकूमत कोई कितना राजी हो रहा है, उस सपने में भी नहीं आती। तो आपने सुना रामकुमार गौतम कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में जो मैंने ऊट पटांग बातें कही, इसका लब्बो लुआब यही है, अगर मैं ना कहता तो फिर भाजपा की सरकार नहीं आती। और अब वो सुनिए जो कह रहे हैं कि अगर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ना होते तो भाजपा की सरकार ना आती, ये भी सुनिए आप। सबको समझाया, देखो भाई अगर बीजेपी को बनाओगे तो नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, सबको सबका हक देगा, 36 बरादरी का हक वाली पार्टी बनेगी। और भाई हुड्डा साहब की को अगर बनाओगे हुड्डा पार्टी को, 10 साल इसका राज देख चुके हो, बहुत बातें और कही जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, उसके खिलाफ बोला मैं, उसे नफरत नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी बोला, राज आवा ही नहीं था वरना किसी मूर्त पे। और मैंने कहा भाई अगर चाहते हो आप हरियाणा में सबका भला हो तो दो हरफ की बात है, कई हरफों हिसाब से समझाया मैंने, समझिए। कोई मानो ना मानो उसकी चिंता नहीं करता हूं मैं, कोई भाई राजी हो रहा हूं तो तेरी वजह से बन गई। हाँ, नायब सैनी को अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते सपने में भी बीजेपी आवे नहीं थी किसी सूरत में भी।
नायब सैनी एक ट्रंप कार्ड था, ट्रंप कार्ड जीत का पत्ता, गरीब लोगों में एक मैसेज गया, सैनी में, बैकवर्ड में और डाउन ट्रोडर, छोटे मोटे गरीब गुरबे मेरे जैसे, और टिकटें भी बीजेपी ने समझदारी से बांटी। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ना होते तो सरकार भाजपा की ना आती। मैं वीडियो के शुरू में आपसे कह रहा था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं खासकर वो व्यक्ति को किसी राह पर ले करके चल सकती हैं, उससे कुछ कहलवा सकती हैं, कुछ वो कह सकता है। दादा राम कुमार गौतम हरियाणा के खांटी नेता हैं, 78 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट देते हुए जो विधानसभा का टिकट दिया, जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले समय से एक मर्यादा चली आ रही है कि 75 प्लस के नेताओं को टिकट नहीं देते, उसको भी क्रॉस किया और राम कुमार गौतम जी को विधानसभा का टिकट दिया। आपको बता दूं, राम कुमार गौतम तीसरी बार विधायक बने हैं। 2005 में राम कुमार गौतम पहली बार विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, नारनौन से चुनाव जीते थे। सरकार हरियाणा के अंदर आई थी कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। दो विधायक बने थे उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, एक रामविलास शर्मा और एक राम कुमार गौतम। दादा रामविलास शर्मा तो जमे रहे भाजपा में ही, लेकिन राम कुमार गौतम धीरे धीरे हुड्डा साहब के साथ पहुंच गए, हुड्डा साहब को समर्थन दिया। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बहुमत की सरकार थी 2005 की, लेकिन राम कुमार गौतम जी का मन नहीं लगा भाजपा में, क्योंकि सत्ता हुड्डा साहब के पास थी। उसके बाद में दादा राम कुमार गौतम दूसरी बार विधायक बने 2019 में। 2019 में विधायक बने वो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर, दुष्यंत चौटाला के टिकट पर विधायक बने। दुष्यंत चौटाला ने उनको इतना सम्मान दिया था कि हर बात में उनको दादा कहकर संबोधित करते थे। नारनौंद विधानसभा से चुनाव लड़े थे, जननायक जनता पार्टी के टिकट पर कैप्टन अभिमन्यु साहब को हराया था, और वो चुनाव जीतने के बाद में दादा राम कुमार गौतम, अगर मैं ये कहूं कि चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही उन्होंने आंखें फेर ली दुष्यंत चौटाला से, कारण यह रहा कि दुष्यंत चौटाला ने उनको वजीर नहीं बनाया। ये बात कई बार उन्होंने कही भी, कई बार कहा कि सारे महकमे बैरी अपने पास रख के बैठ गया, किसी ने पूछता नहीं, हंसी ठिठोली सारी बातें उनकी बातों की हुआ करती थी। विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जननायक जनता पार्टी की अपने नेता, जो उनके नेता तो दुष्यंत चौटाला ही थे उस समय, जिनको जिनके टिकट पर विधायक बने तो नेता तो वही होता है, लेकिन दादा राम कुमार गौतम ने जननायक जनता पार्टी की खाट खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। बड़ी उम्मीद थी राम कुमार गौतम जी को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बात चली थी उनको शायद विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बना दें, स्पीकर बना दें, कुछ नहीं हुआ। राम कुमार गौतम जी विधायक के विधायक रह गए, और अब गुस्सा है आजकल थोड़े से, ऐसा ही लग रहा था, गुस्से वाली बात ही लग रही है इनकी। जब ही कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे भले आदमी हैं, बढ़िया परिवार के आदमी हैं, उनके रगों में देशभक्ति का खून बहता है, इसलिए मैंने कहा था कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ भी कहलवा करवा कर और किसी राह ले जा सकती है। हालांकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर दादा राम कुमार गौतम जी ने कहीं दाएं बाएं होने की बात भी सोची तो भी कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो कानून बना हुआ है, पूरे देश के अंदर कानून है। खैर मैं ज़्यादा आगे बढ़ गया। सबसे प्रमुख बात यह है कि आखिर राम कुमार गौतम जी को अब ये कहने की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसा कोई कहने की नीड नहीं थी। अगर वो गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करने के लिए तो बड़े सीधे शब्दों में भी किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने घूम फिर करके कहा कि अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ ना कहते तो भाजपा की सरकार ना आती। उन्होंने कहा कि मैंने उनके बारे में दो दुनी चार, हालांकि दो दुनी चार ही होते हैं, कोई नई बात तो नहीं बनती, लेकिन उन्होंने दो दुनी चार को जोड़ दिया हुड्डा साहब के साथ में और अपनी बात कह दी कि मैंने हुड्डा जी के बारे में कहा था। वैसे आपको क्या लगता है, राम कुमार गौतम की जो राजनीतिक कार्यशैली है, उनका जो राजनीतिक जिस प्रकार का फलसफा हमेशा रहा करता है, क्या ये भी उसी राह का एक और रास्ता बनता है? क्या राम कुमार गौतम जो कह रहे हैं, क्या अब भी वो अपनी पार्टी में जैसे हमेशा प्रेशर में रखते रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रेशर में रखना चाहते हैं? और आपको क्या लगता है कि राम कुमार गौतम जी जो विधानसभा चुनाव के अंदर ये कह करके जीत के आए थे कि जो वोट नहीं देगा बीज नाश हो और जो वोट देगा उसका भला भला हो, तो इस सरकार के पैमाने पर आप दादा राम कुमार गौतम को कहाँ मापेंगे? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।